हेलो भाई मावंकित, क्या आपको पता है हमारे इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज हैं मोटरसाइकिल की जो अभी तक भाई सुपर बाइक नहीं बेचती। मतलब इतना टेक्नोलॉजी आज के डेट में बढ़ चुका है, फिर भी वो लोग छोटे सीसी की गाड़ियां ही बेच के खुश रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भाई सुपर बाइक बेचने में यार बहुत ही ज्यादा टेंशन है भाई, बहुत ही ज्यादा। अब मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, हीरो मोटोकॉर्प भाई अपनी एक नई गाड़ी लाने वाला है, वो शायद सुपर बाइक निकल जाए, मतलब ज्यादा सीसी की निकल जाए तो उसको सुपर बाइक ही बोलेंगे ना। अब देखते हैं, वो तो 23 तारीख को लॉन्च होने वाली है भाई। हीरो मोटोकॉर्प ने कुछ भी उस गाड़ी के प्रति हिंट नहीं छोड़ा है, मतलब टीजर वगैरह तो डाल रहे हैं लेकिन कितने सीसी की वो बाइक होगी ये नहीं बताया है। खैर ये सब छोड़ो भाई, कल मैंने आप सभी को 300 सीसी से लेके 500 सीसी सेगमेंट की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में बताया था, लेकिन आज वाले वीडियो में अपन 15 सबसे ज्यादा बिकने वाली सुपर बाइक के बारे में जानेंगे। मजा भरपूर आने वाला है। पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे, उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्व वेट, कलर ऑप्शन, टॉप स्पीड, हर चीज के बारे में जानेंगे डिटेल में। इसीलिए बोलना चाहूंगा स्किप मत करना, प्लीज एंड तक देखना। 15th नंबर पे आई है स्पीड ट्विन 1200। ये ट्राइम की प्रोडक्ट है भाई, इसमें 1200 सीसी का इंजन मिलता है। इसके नवंबर में 4 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में, जबकि अक्टूबर में 3 यूनिट बिकी थी। मतलब 4 गाड़ियां ज्यादा बिकी अक्टूबर के मुकाबले नवंबर के महीने में। ये गाड़ी आपको 11,88,578 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है एक्स शोरूम। इसमें पावर मिलता है 98.6 bhp का, टॉर्क मिलता है 112 nm का, 20 kmpl का माइलेज मिल जाता है, बाकी 216 kg इसका कर्व वेट है, 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 200 kmph का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। खैर 14th नंबर पे आइए ट्राइम की स्पीड ट्विन 900। ये 1200 पे ही बेस्ड कम सीसी की गाड़ी है भाई। इसकी 7 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 8 यूनिट बिकी थी। मतलब एक गाड़ी कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। ये गाड़ी आपको 8,80,000 रुपए तक मिल जाती है एक्स शोरूम। इसमें अपने को 64.1 bhp का पावर, 80 nm का टॉर्क, 24 kmpl का माइलेज, 216 kg का कर्व वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 180 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। खैर 13th नंबर पे आइए हार्ले डेविडसन की एस्पोस्टर एस है। इसका नाम यही है ना, एस्पोस्टर एस, पता नहीं भाई मैं गलत भी बोल रहा हूँ। खैर आप सब तो पहचान ही गए होंगे, नवंबर के महीने में इसकी 9 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में 6 यूनिट बिकी थी। मतलब 3 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। ये गाड़ी 18,27,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। इसमें 120 bhp का पावर मिलता है और 125 nm का टॉर्क मिलता है, बाकी माइलेज वही 15-16 तक मिलता है इसमें। इसके अलावा 225 kg का कर्व वेट है, 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 194 kmph का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। सुपर बाइक्स का सेल्स ऐसा ही होता है भाई, 8 यूनिट, 9 यूनिट, कभी 15 यूनिट, कभी 20 यूनिट, कभी कभी ऐसा होता है कि भुनी भी नहीं होता है, क्योंकि ये सब इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी है ना भाई, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता यार। 12th नंबर पे आई है निंजा 650। इस गाड़ी की 9 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 15 यूनिट बिकी थी। 6 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने इस गाड़ी की। ये आपको 8,16,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। इसमें अपने को 67.3 bhp का पावर, 64 nm का टॉर्क, 30 kmpl का माइलेज, 196 kg का कर्व वेट, 1 कलर ऑप्शन, बाकी 210 kmph का टॉप स्पीड इसमें भी मिल जाता है। बाकी 11th नंबर पे आइए हार्ले डेविडसन की नाइस्टर। मैं शायद से गलत नाम बोल रहा हूँ भाई, नाइस्टर ही होगा मेरे हिसाब से। खैर इसकी नवंबर में 10 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में 2 यूनिट बिकी थी। मतलब 8 गाड़ियां ज्यादा बिकी है इस गाड़ी की। ये गाड़ी आपको 14,23,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। इसमें पावर मिलता है 88.5 bhp का, टॉर्क मिलता है 95 nm का, 18 kmpl का माइलेज, 221 kg का कर्व वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 180 kmph का टॉप स्पीड इसमें भी मिल जाता है। बाकी 10th नंबर पे आई है ट्राइम की टाइगर 900। इसका लुक यार बहुत ही क्लियर लगता है मेरे को। इसकी नवंबर में 13 यूनिट बिकी, जबकि अक्टूबर में 1 यूनिट बिकी थी। मतलब 12 गाड़ियां ज्यादा बिकी है। ये गाड़ी आपको 13,95,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है एक्स शोरूम। ऑन रोड जाते जाते भाई 15 लाख से ज्यादा ही चली जाएगी। इसमें पावर मिलता है 106.5 bhp का, टॉर्क मिलता है 90 nm का, 21 kmpl का माइलेज, सीट हाइट मिलता है 820 mm का, करवेट के बारे में इसका जानकारी नहीं है इसीलिए मैंने आपको स्वीट हेड बता दिया। बाकी कलर ऑप्शन इसमें अपने को 6 मिल जाते हैं, बाकी फ्यूल टैंक इसमें मिल जाता है 20 लीटर का। ये रियल लाइफ में गाड़ी 18-19 का माइलेज देगी, कंपनी वालों ने 20 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है, ठीक ही दे रखा है भाई। खैर आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर पे आइए कावासाकी की वर्सेस 650। ये एक एडवेंचर टाइप की गाड़ी है भाई। इसकी 15 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 16 यूनिट बिकी थी। मतलब एक गाड़ी कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। ये गाड़ी आपको 8,83,859 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है एक्स शोरूम में। 65.7 bhp का पावर, 61 nm का टॉर्क, 20 kmpl का माइलेज, 219 kg का कर्व वेट, 1 कलर ऑप्शन, बाकी 199 kmph का टॉप स्पीड इसमें भी मिल जाता है। बाकी 8th नंबर पे आई है
ट्राइम की ही ट्राइडेंट 660, इसकी 18 यूनिट बिकी है जबकि 6 यूनिट बिकी थी अक्टूबर में। मतलब कह सकते हो 12 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। ये आपको 8,24,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। 80 BHP का इसमें पावर मिलता है, 64 Nm का टॉर्क मिलता है, 15 KMPL का माइलेज मिल जाता है, बाकी 190 kg का कर वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 212 KMPH का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। बात करें अगली गाड़ी की तो 7th नंबर पे आई है होंडा की नई नवेली XL 750। ये हाल फिलहाल में गाड़ी लॉन्च हुई है भाई, इसकी 29 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में। अक्टूबर का सेल्स नहीं बता सकता क्योंकि अक्टूबर में तो ये गाड़ी लॉन्च हुई है भाई 31 तारीख को। इस गाड़ी का प्राइस होंडा वालों ने 11 लाख रुपए रख रखा है। इसमें पावर अपने को मिलता है 90.5 BHP का, टॉर्क मिलता है 75 Nm का, फ्यूल टैंक मिलता है 17 लीटर का, बाकी 208 kg का कर वेट, 2 कलर ऑप्शन, बाकी 180 KMPH का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। बाकी 6th नंबर पे आई है सुजुकी की हायाबुसा, तगड़ी भागने वाली गाड़ी। इसकी नवंबर में 34 यूनिट बिकी है जबकि अक्टूबर में 52 यूनिट ही बिकी थी। मतलब 18 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने हायाबुसा की। इसका एक शोरूम प्राइस भाई 17 लाख रुपए है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो शोरूम नहीं है सुजुकी का, लेकिन शो हो रहा था भाई। इसमें 190 BHP का पावर, 142 Nm का टॉर्क मिलता है, गाड़ी क्या ही भागती होगी भाई। खैर 18 KMPL का माइलेज मिल जाता है, 266 kg इसका कर वेट है, 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 300 KMPH का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। अब आते हैं टॉप 5 में। 5th नंबर पे आई है स्ट्रीट ट्रिपल आर, ये भी तगड़ी दिखती है भाई फ्रंट से। यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं आर और आरएस, दोनों का मैं आपको कंबाइन बताऊंगा। 36 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में जबकि अक्टूबर में 29 यूनिट बिकी थी। 7 गाड़ियां ज्यादा बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अगर आप आर वाला मॉडल लेते हो तो 10,43,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। एक्स शोरूम पावर अगर मिलता है 118.4 BHP का, 80 Nm का टॉर्क, फ्यूल टैंक 15 लीटर का, 168 kg का कर वेट, 2 कलर ऑप्शन, बाकी 220 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 4th नंबर पे आइए कावासाकी निंजा ZX10R, लोगों की धड़कन। इस गाड़ी को देखने के लिए लोग बाग भाई इतना व्याकुल हुए रहते हैं ना, पूछो मत। बहुत तगड़ी लगती है यार। 38 यूनिट बिकी इसकी नवंबर में जबकि अक्टूबर में 67 यूनिट बिकी थी। 29 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। ये गाड़ी 1 लाख बोल रहा हूँ यार, 19,46,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। 19,46,000, बाप रे बाप, मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा कावासाकी को ये गाड़ी लेने के लिए। इसमें आपको पावर मिलता है 200 BHP का, टॉर्क मिलता है 115 Nm का, 15 KMPL का माइलेज, 207 kg का कर वेट, 1 कलर ऑप्शन, बाकी 239 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 3rd नंबर पे आइए कावासाकी की ही Z900। इस गाड़ी की 90 यूनिट बिकी है नवंबर में जबकि अक्टूबर में 119 यूनिट बिकी थी। मतलब 29 गाड़ी कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने Z900 की। ये भी गाड़ी मेरे को तगड़ी लगती है भाई। अगर मेरे को ZX10R और Z900 में चूज करना हो कोई गाड़ी तो मैं Z900 को ही चूज करूंगा भाई, क्योंकि ZX10R यार फुल्ली फेयरिंग गाड़ी है ना, उसको आप नॉर्मली नहीं चला सकते हैं, और ये Z900 ऐसी गाड़ी है ना, इसको आप नॉर्मली भी थोड़ा बहुत चला सकते हो, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बहुत पसंद करता हूँ। 10,64,000 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस है। इसमें भी पावर कम नहीं मिलता यार, 123 BHP का पावर मिलता है, गाड़ी सनाक से भागती होगी। बाकी टॉर्क मिलता है 99 Nm के आसपास है, 15 KMPL का माइलेज इसमें भी मिल जाता है, बाकी 212 kg इसका भी कर वेट है, 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 195 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 2nd नंबर पे आइए इस महीने सुपर मेटियोर 650। पिछले महीने आई थी आपकी कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर, लेकिन इस महीने सुपर मेटियोर आई है भाई। इसकी 1270 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में जबकि अक्टूबर में 2202 यूनिट बिकी थी। मतलब 932 गाड़ियां कम बिकी है सुपर मेटियोर की। ये भी गाड़ी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई है भाई, लेकिन बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दे रही है। 4,23,000 रुपए इसका ऑन रोड जाता है, 46.3 BHP का पावर, 52.3 Nm का टॉर्क, 23 KMPL का माइलेज, 241 kg का कर वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 150 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी नंबर 1 पे आई है 650 ट्विन्स। यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर दोनों मिल जाता है। 2112 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में जबकि अक्टूबर में 1746 यूनिट बिकी थी। मतलब 366 गाड़ियां ज्यादा बिकी है 650 ट्विन्स की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अपन कॉन्टिनेंटल या फिर इंटरसेप्टर के बारे में जाने, चलो कॉन्टिनेंटल के बारे में ही जान लेते हैं। 373,283 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। पावर अगर मिलता है 47 BHP का, टॉर्क मिलता है 52 Nm का, 25 KMPL का माइलेज, 211 kg का कर वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 169 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सभी ने भाई 15 सबसे ज्यादा बिकने वाली सुपर बाइक के बारे में जान लिया। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। आपको क्या लगता है फ्यूचर में कभी हीरो मोटोकॉर्प, TVS, बजाज सुपर बाइक को लाएगा इंडियन मार्केट में? मुझे तो नहीं लगता भाई। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद सभी को।